is W logo. In my previous video, I already explained you what are the basic commands of the logo, how we use repeat command, how we use nesting command, and many more. In today's video, we will discuss about the control commands of the turtle and the pen. What is pen? The pen is the pointer of the turtle. जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं, मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि बेसिक कमांड्स क्या हमारी टर्टल की, हमारी लोगो की बेसिक कमांड्स क्या हैं, हमारी रिपीट कमांड क्या है, हमारी नेस्टिंग कमांड्स क्या हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम टर्टल को और पेन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट इज पेन? अब पेन किसे कहते हैं? द पॉइंटर ऑफ द टर्टल, जो टर्टल का पॉइंटर है उसको पेन कहा जाता है, उसे पेन कहते हैं। If you like my video, please like it, share it and subscribe my channel. First is turtle control. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम टर्टल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। Where we found the turtle? टर्टल हमें कहाँ मिलता है? टर्टल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द मेन स्क्रीन, मीन्स सेंटर ऑफ द ड्रॉइंग विंडो। जो टर्टल है वो सेंटर में होता है हमारी मेन स्क्रीन पे, जो ड्राइंग विंडो होती है जहां पर हम ड्रॉ करते हैं, उसके सेंटर पे हमें क्या मिलता है? टर्टल होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? अपनी ड्राइंग करते हैं। देयर आर द बेसिक थ्री कमांड्स टू कंट्रोलिंग द टर्टल। टर्टल को कंट्रोल करने के लिए थ्री कमांड्स हैं, हाइड टर्टल, शो टर्टल एंड होम। द कमांड यूज फॉर हाइड टर्टल इज HT. It is used to hide the turtle from the drawing window. Even after hidden of the turtle, we can draw. Hide turtle की जो command है वो क्या है? HT है। Hide turtle हम किस लिए use करते हैं? ताकि हम अपने turtle को hidden कर सके। Hidden करने के बाद भी अगर हम चाहते हैं कि हमारी drawing continue रहे, तो हम drawing continue कर सकते हैं, हम draw कर सकते हैं with the hidden turtle also. टर्टल को हिडन करने के बाद भी हम अपनी ड्राइंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी ड्राइंग कर सकते हैं। सेकंड इज शो टर्टल एंड इट इज ST। द कमांड यूजेस ST। शो टर्टल, शो टर्टल की जो कमांड है वो क्या है? ST। शो टर्टल इज यूज्ड टू ब्रिंग बैक द हिडन टर्टल ऑन योर ड्राइंग विंडो। शो टर्टल हिडन टर्टल को वापस बुलाने के लिए मेन स्क्रीन पे, ताकि वो हमें शो हो सके, उसके लिए हम यूज करते हैं शो टर्टल। नेक्स्ट इज होम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होम? होम के लिए जो कमांड है वो होम ही है। होम के बेसिकली क्या है? टू ब्रिंग द टर्टल बैक टू इट्स पोजिशन, मीन्स बैक टू द सेंटर ऑफ द मेन स्क्रीन। होम का काम क्या है? टर्टल को वापस बुलाना। कहां पर बुलाना? सेंटर ऑफ द मेन स्क्रीन। उसका जो सेंटर है, पोजीशन बेसिकली जो टर्टल की वो सेंटर ही होती है। जब हम ड्राइंग करते हैं तो अपनी पोजीशन से वो शिफ्ट कर जाता है, लेकिन अगर हम होम कमांड देते हैं तो वापस वो सेंटर पे आ जाएगा। नेक्स्ट इज पेन कंट्रोल। नेक्स्ट कमांड हम नेक्स्ट क्या हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने पेन को, मीन्स द पॉइंटर ऑफ द टर्टल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। These are the various commands which we use to control the pen. ये कुछ commands हैं जिनको हम use करेंगे। Pen up, pen down, set pen size, pen erase, pen paint, set pen and color, set screen and color, set flood and color. These are the some commands which we use to control the pen. Means control the pointer of the turtle. One by one, I will discuss. मैं एक-एक करके सभी डिस्कस करके आपको सभी समझाती हूँ। फर्स्ट इज पेन अप। द कमांड इज PU। इट इज यूज्ड टू लिफ्ट द पेन ऑफ द टर्टल एंड मूव अकॉर्डिंग टू द कमांड। वी कैन नॉट ड्रॉ थ्रू दिस कमांड, जस्ट मूव द टर्टल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर अकॉर्डिंग टू द कमांड। पेन अप कमांड जो है वो उसके लिए क्या यूज करते हैं? हम PU यूज करते हैं। जो सिंटेक्स है इसका वो PU है। जो पेन अप कमांड है वो बेसिकली क्या करता है? वो सिर्फ पेन को लिफ्ट कर देता है, पॉइंटर को लिफ्ट अप कर देता है। उसकी वजह से
जो भी हमने कमांड दिए कि भी हमारे मान लो हम अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा है कि मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में 30 steps मूव कर जाए, यानी कि 30 pixel मूव कर जाए, तो वो क्या करेगा, पेन अप हो जाएगा, पेन लिफ्ट अप हो जाएगा, और वो 30 pixel के बाद जाके वो पेन जो है वहां पर वो हाईलाइट हो जाएगा कि भैया यहाँ तक वो अप हो गया। उस ड्यूरेशन की जो एफडी 30 है उसकी कोई भी हमें ड्रॉइंग विजिबल नहीं होगी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज पेन डाउन। द सिंटेक्स इज पीडी। पेन डाउन का जो सिंटेक्स है वो पीडी है। इट इज यूज टू पुट डाउन द पेन ऑफ द टर्टल एंड स्टार्ट ड्रॉइंग अगेन। पेन डाउन जो है वो पेन अप के बाद यूज किया जाता है। पेन अप के टाइम पर जब हमने पेन को लिफ्ट अप किया था उसको वापस पेन डाउन करने के लिए हम पेन डाउन की कमांड यूज करते हैं, और जैसे ही हम पेन डाउन कमांड यूज करते हैं हमारी ड्रॉइंग वापस ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाती है अवर ड्रॉइंग विंडो पे, हमारी ड्रॉइंग विंडो के ऊपर। नेक्स्ट इज सेट पेन साइज। इसके लिए सेट पेन साइज के लिए जो है हम उसके ब्रैकेट्स के अंदर 2 times थिकनेस मेंशन करते हैं कि हमारा जो पेन के जो थिकनेस आ रही है, जो लाइन हमने जो ड्रॉ करनी है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। एक्स, एक्स इज रिप्रेजेंटिंग द थिकनेस ऑफ द पेन। जो एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि थिकनेस कितनी होगी। नेक्स्ट इज पेन इरेज। एज द नेम सजेस्ट इरेज मीन्स टू रब समथिंग। द कमांड इज पीई। इट इज जस्ट इरेज द कमांड विच वी मेंशन्ड आफ्टर पेन ई द लाइन। फर्स्ट इट ड्रॉज देन पेन इरेज इट। मीन्स पेन इरेज क्या करती है, जो भी कमांड हम इसके बाद लिखेंगे उसको वो इरेज करती हुई चली जाएगी। नेक्स्ट इज पेन पेंट। पेन पेंट इज आफ्टर पेन इरेज वी यूज पेन पेंट टू ड्रॉ इट अगेन। पेन इरेज के बाद हम क्या यूज करते हैं, पेन पेंट को यूज करते हैं जो इरेज करी है उस लाइन को वो, ताकि हम वापस उसको ड्रॉ बैक कर सके। जैसे पेन अप के बाद पेन डाउन यूज होता है, सेम वैसे ही पेन इरेज के बाद पेन पेंट यूज होता है। नेक्स्ट इज सेट पेन एंड कलर। सेट पेन कलर द सिंटेक्स इज सेट पीसी। सेट पेन कलर मीन्स वी कैन चेंज द कलर ऑफ द पेन, वी कैन चेंज द कलर ऑफ द पॉइंटर ऑफ द टर्टल। सेट पेन कलर से हम क्या कर सकते हैं, जो पॉइंटर का जो कलर है वो हम चेंज कर सकते हैं। सेट स्क्रीन एंड कलर। सेट स्क्रीन एंड कलर मीन्स द बैकग्राउंड ऑफ द ड्रॉइंग विंडो। थ्रू दिस कमांड वी कैन चेंज द कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रॉइंग विंडो। जो ड्रॉइंग विंडो है उसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो हम चेंज कर सकते हैं। द कमांड द सिंटेक्स इज सेट एस सी। नेक्स्ट इज सेट फ्लड एंड कलर। सेट फ्लड एंड कलर कब यूज करते हैं, इसका क्या मेन रोल है। फॉर एग्जाम्पल हमने ड्रॉइंग कर दी, उसके बाद हम चाहते हैं कि मतलब हम भूल गए कि इसकी ड्रॉइंग का कलर जो था हमने ये देना था और हम भूल गए, तो हम वहाँ पर अपने टर्टल को लेकर जाएंगे, पॉइंट करेंगे, जहां तक भी ड्रॉइंग होगी उसका कलर चेंज कर सकते हैं। मीन्स आफ्टर ड्रॉइंग वी कैन चेंज द कलर थ्रू दिस कमांड। इस कमांड की हेल्प से हम अपने कलर बाद में चेंज कर सकते हैं, ड्रॉइंग करने के बाद भी हम चेंज कर सकते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू अबाउट द कंट्रोल ऑफ द पेन। आप मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, कैसे पेन के कंट्रोल्स को हम समझ सकते हैं। आई एम डिस्कसिंग अबाउट द कलर, व्हाट आर द कलर कोड। अब कलर कोड क्या है इसका, दिस इज द कलर कोड। इफ वी राइट 0 then it means we are choosing black color. By default it is a black color. By default black color ही होता है और इसका color code क्या है, 0 है. Next is 1. 1 is for blue. Next 2. 2 is for green. 3. 3 is for cyan. 4 is for red. 5 is for pink. 6 is for yellow. 7 is for white. 8 is for brown. And 9 is for tan color. This is the color code. ये हमारा color code है, जो हम जो commands हैं set pen color, set screen color और set flood color के लिए जो हम color use करते हैं, वो हम यहाँ से color code, जो सा हमें color चाहिए accordingly उसकी color code के accordingly हम उसको picture दे सकते हैं। अच्छे से समझ आ सके कि जो pen और जो turtle के जो controls हैं वो कैसे हम use करते हैं। Okay, first of all we will use hide turtle command.
सबसे पहले हम कौन सा कमांड यूज करेंगे, हाइड टर्टल। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई विल ड्रॉ अ स्क्वेयर, मैं अभी स्क्वेयर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इफ वी ड्रॉ अ स्क्वेयर व्हाट इज द कमांड, और आई ऑलरेडी टेल यू, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या कमांड होती है इसकी, दैट इज एफ डी 50। नेक्स्ट इज वी विल चेंज द डायरेक्शन, आर टी 90। नाउ आई एम हाइडिंग द टर्टल, अब मैं अपने टर्टल को हाइड करती हूँ और फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। फॉर हाइडिंग द टर्टल आई विल यूज द कमांड एच टी। सी द टर्टल इज हाइड, अब आपको टर्टल विजिबल नहीं होगा ड्राइंग विंडो पे। नाउ आई विल राइट द कमांड, वॉट इज द नेक्स्ट कमांड फॉर द स्क्वेयर, दैट इज एफ डी 50। सी आफ्टर हाइडिंग द टर्टल देन ऑल्सो द टर्टल इज ड्राइंग द लाइन मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मैंने टर्टल को हाइड कर दिया, स्टिल जैसे ही मैंने कमांड दी एफ डी 50, जो टर्टल है वो 50 पिक्सल फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है। इट मीन्स आफ्टर हाइडिंग द टर्टल ऑल्सो मूव्स ऑन कंटिन्यूस थ्रू ड्रॉइंग। टर्टल को हाइड करने के बाद भी टर्टल अपनी ड्रॉइंग बंद करना करना बंद नहीं करता है। नेक्स्ट इज आर टी 90। ओके, नाउ आई एम शोइंग यू टर्टल बैक अगेन। ओके, व्हाट इज द कमांड फॉर शो द टर्टल, एस टी। एज आई प्रेस द एंटर आफ्टर राइटिंग एस टी द टर्टल इज विजिबल अगेन ऑन माई स्क्रीन। जैसे ही मैंने एस टी प्रेस किया टर्टल जो था मेरी स्क्रीन पे ड्रॉइंग विंडो पे वापस विजिबल हो गया। नेक्स्ट इज एफ डी 50। नेक्स्ट इज आर टी 90 एंड एफ डी 50। द स्क्वेयर इज ड्रॉन। ओके, नाउ वी विल क्लियर द स्क्रीन। नाउ वी विल ड्रॉ, वी विल यूज होम कमांड। अब हम होम कमांड का यूज करके देखते हैं। फॉर दिस आई एम अगेन ड्रॉइंग अ स्क्वायर, दैट इज एफ डी 50। नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट कमांड, दैट इज आर टी 90। नाउ नेक्स्ट इज एफ डी 50। नाउ आई वॉन्ट दैट माई टर्टल ब्रिंग कम्स बैक एट इट्स ओरिजिनल पोजिशन द सेंटर ऑफ द मेन स्क्रीन। अब मैं चाहती हूँ कि भी मेरा टर्टल मैंने स्क्वेयर नहीं ड्रॉ करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अपने टर्टल को वापस अपने सेंटर पोजिशन पे लाना है, उसकी होम पोजिशन पे लाना है। सी कैसे आएगा वो देखो, एज आई एम राइटिंग होम टर्टल बैक कम बैक टू इट्स पोजिशन। जैसे मैंने होम प्रेस किया टर्टल वापस अपनी पोजिशन पे आ गया। द लाइन विच ड्रॉन राइट नाउ इज दैट लाइन थ्रू विच पाथ द टर्टल मूव्स बैक टू इट्स पोजिशन। जो लाइन अपने से ड्रॉ करता हुआ आया है वो लाइन है जिस पाथ को फॉलो करता हुआ वो अपनी जो प्रीवियस पोजिशन थी उसको छोड़कर अपनी होम पोजिशन पे यानी कि द सेंटर ऑफ द मेन स्क्रीन पर आया था। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। Now I'm clearing the window, clearing the screen. Now we will discuss about the pen control. For that, first of all, I'm discuss pen up and pen down command. For pen up, how it works? See, for that I will draw a square, FD 20. The turtle moves 20 position. 20 pixel in forward direction. Now I am using pen up command, that is PU. Okay, after PU I mentioned FD 20. See, the turtle jumps 20 pixel in forward direction. जैसे ही मैंने PU के बाद FD 20 लिखा turtle ने क्या किया 20 pixel जंप कर दिया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नाउ
नेक्स्ट आई विल मूव पेन डाउन, आई विल यूज पेन डाउन कमांड, पीडी पीडी एफ डी 20. सी व्हेन आई प्रेस व्हेन आई यूज पीडी कमांड, जैसे मैंने पीडी कमांड को यूज किया तो पिक्सल नीचे डाउन बैक आ गया टर्टल हमारा, और उसके बाद उसने फिर 20 पिक्सल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया. नाउ चेंज द एंगल दैट इज आरटी 90. आफ्टर दैट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एफडी 20. नाउ आई एम यूजिंग अगेन पीयू, मींस आई एम यूजिंग अगेन पेन अप कमांड. Now moves FD 20, 20 pixel in forward direction. Now pen down command, 20 pixel in forward direction again. Change the angle, moves in forward direction. Use pen up command, 20 pixel in forward direction. Pen down command, forward direction में 20 pixel द्वारा मूव करवाते हैं, उसके बाद चेंज करते हैं इसकी direction, forward direction में फिर से 20 pixel मूव करवाया, pen up command यूज करी हमने, forward direction में मूव करवाया, jump करवाया अपने pen up को, pointer को, उसके बाद pen down करवा के फॉरवर्ड पिक्सल में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 20 पिक्सल मूव करवा दें. सी द स्क्वायर इज ड्रॉन बाय यूजिंग पेन अप एंड पेन डाउन कमांड. मैंने स्क्वायर ड्रॉ करा है किस कमांड की हेल्प से, पेन अप कमांड से और पेन डाउन की कमांड से. इन दिस वे बाय यूजिंग पेन अप एंड पेन डाउन कमांड वी कैन ड्रॉ आवर पैटर्न्स लुक मोर ब्यूटीफुल. इस तरह से हम अपने पैटर्न्स को और सुंदर बना सकते हैं. ओके आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल ऑफ पेन अप एंड पेन डाउन कमांड, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली. फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लियर द स्क्रीन. नाउ विद द हेल्प ऑफ रिपीट कमांड आई एम एक्सप्लेनिंग यू माय टॉपिक पेन अप एंड पेन डाउन वंस अगेन. रिपीट फॉर forward direction 80 pixel, RT 90, a square is drawn. Now I am using pen up command, PU. I will move in forward direction, that is FD 20. After that I will take a right turn, RT 90. Now I will move forward direction again, FD 20. Now I will take a left turn so that I can draw a square. Pen down command. Now I will give the command for a square, that is repeat for bracket start FD 40, RT 90. See, the two consecutive squares are drawn by using pen up and pen down command. मैंने इस वाली कमांड के अंदर क्या किया, दो consecutive यानी कि एक के अंदर एक square मैंने draw किया है by using pen up and pen down command. Okay, I hope you understand. पेन अप एंड पेन डाउन कमांड आपको समझ में आ गया होगा कि पेन अप और पेन डाउन कमांड कैसे यूज करते हैं. नेक्स्ट कमांड इज सेट पेन साइज कमांड. नेक्स्ट कमांड जो है वो हमारी कौन सी है, सेट पेन साइज. फॉर दैट आई एम क्लियरिंग माय स्क्रीन. सेट पेन साइज कमांड कैसे यूज करते हैं, सी आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ सिंपल लाइन एफ डी 20. नाउ आई एम चेंजिंग द पेन थिकनेस, मीन्स आई एम यूजिंग सेट पेन साइज कमांड. अब मैं क्या कर रही हूँ, अपनी पेन की थिकनेस को चेंज कर रही हूँ. बाय डिफॉल्ट जो पेन की थिकनेस होती है, जो पेन का साइज होता है, दैट इज 1.
जो बाय डिफॉल्ट जो यूज करते हैं वो 1 यूज करते हैं, अब मैं चेंज करती हूँ। सेट पेन साइज, द कमांड इज सेट पेन साइज। कीप इन माइंड देयर इज नो स्पेस प्रोवाइडेड बिटवीन सेट पेन साइज। सेट पेन साइज के बीच में कोई भी स्पेस बार यूज नहीं होगा। सेट पेन साइज ब्रैकेट स्टार्ट, मेंशन द साइज व्हाट यू वांट, मेंशन द थिकनेस व्हाट यू वांट, जो थिकनेस जो साइज आप चाहते हो पेन का वो आप इसमें मेंशन कर दो। सपोज आई वांट 3 स्पेस 3, द नंबर शुड बी सेम, एंटर। नाउ आई एम गिविंग द कमांड FD20। सी द प्रीवियस थिकनेस ऑफ अ पेन एंड द नाउ द थिक नाउ द लाइन ड्रॉन आफ्टर यूजिंग सेट पेन साइज थिकनेस इज चेंज। जो पहली वाली थिकनेस थी और जो अब जो थिकनेस आई है दोनों में चेंज है। जो थिकनेस थी पहले से ज्यादा बोल्ड होगी, ज्यादा मोटी हो गई है, बढ़ गई है इसकी थिकनेस। आई एम यूजिंग दिस कमांड, प्लीज सी वेरी केयरफुली, सेट पेन साइज स्क्वायर ब्रैकेट में। नाउ आई विल चेंज द थिकनेस, सपोज आई एम चेंज यूजिंग 6, ब्रैकेट क्लोज, आई सेट द पेन पॉइंटर, मैंने पेन का पॉइंटर जो है सेट कर दिया 6 थिकनेस पे। नाउ आई एम यूजिंग द कमांड FD20। सी नाउ द पॉइंटर ड्रॉ मोर बोल्ड। अब जो पॉइंटर ने जो ड्रॉ कर रहा है ना लाइन, वो ज्यादा बोल्ड यूज करी, ज्यादा मोटी यूज बनाई। इन दिस वे वी कैन चेंज द पेन साइज। इस तरह से हम अपने पेन का साइज को चेंज कर सकते हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट, आपको बात समझ में आई होगी कैसे हम अपने पेन के साइज को, पेन की थिकनेस को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड इज पेन इरेज एंड पेन पेंट कमांड। पेन इरेज एंड पेन पेंट बहुत कम एक साथ ही हम यूज करते हैं। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लियर द स्क्रीन, दिस इज वेल अपनी क्लियर स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। मैंने अपनी पेन के साइज को भी थिकनेस को 1 कर दिया और जो मैंने अपनी स्क्रीन को भी क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। नाउ आई एम ड्रॉइंग अ स्क्वायर। वंस अगेन आई एम यूजिंग अ स्क्वायर एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू पेन इरेज एंड पेन पेंट कमांड। पेन इरेज और पेन पेंट कमांड के लिए मैं एक बार फिर से स्क्वायर का ही एग्जाम्पल लेती हूँ, आपको समझा रही हूँ। पेन इरेज FD50. Now I'm using pen erase command, PE. Now I'm taking the right position, RT90, FD50. See, the pointer do not draw any line. It moves 50 pixels in forward direction, but it do not draw any line. पॉइंटर ने 50 पिक्सल तो मूव करा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो हम सबको विजिबल हुआ, बट उसने कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करी है। मींस उसने लाइन को क्या करता चला गया, वो इरेज करता हुआ वो गया। नाउ वी यूज पेन डाउन कमांड। अब हम क्या यूज करेंगे, पेन पेंट कमांड। नाउ वी विल यूज पेन पेंट कमांड। व्हाट इज द पेन पेंट कमांड, वो क्या है, PPT। नाउ RT90 moves in forward direction, FD50. See, as I use PPT command, means pen paint command, the line is again visible to us. अब जब मेरा turtle move किया forward direction 50 pixel, अब हमें line draw हुई है क्योंकि हमने क्या use किया, pen paint command. When we use pen erase command, the line is not visible to us. When we use pen paint command, the line drawn is visible to us. Now, I am changing the direction, RT90, FD50. My square is drawn. One line is not visible to us because for that line, we use pen erase command. That is why that line is not visible to us. Square ki 3 sides hame visible hai. Ek side hame visible nahi hui hai.
बिकॉज क्योंकि जब हमने वो लाइन ड्रॉ करी थी तो हमने कौन सी कमांड यूज की थी, पेन इरेज कमांड। जब भी हम पेन इरेज कमांड का यूज करते हैं तो जो लाइन ड्रॉ होती है वो हम सबको विजिबल नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट कमांड इज सेट पेन कलर, सेट स्क्रीन कलर एंड सेट फ्लड कलर। अब हम क्या करेंगे, पेन का कलर, अब स्क्रीन का कलर और जो हमारा फ्लड कलर है वो चेंज करके देखेंगे। ओके, फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन। सी एस, इनिशियली आई एम चेंजिंग द स्क्रीन कलर। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्क्रीन के कलर को चेंज कर रही हूँ, सेट स्क्रीन कलर। द कमांड इज एस ई टी एस सी विदाउट स्पेस। आई एम यूजिंग 5 एंड 5 स्टैंड्स फॉर पिंक कलर। मैंने 5 यूज किया और 5 किसके लिए होता है, पिंक कलर। आई एम अगेन चेंजिंग द कलर, मैं दोबारा एक बार फिर से कलर चेंज करती हूँ, सेट स्क्रीन। सपोज दिस टाइम आई एम यूजिंग 3 एंड 3 इज फॉर सियान कलर। 3 कलर, 3 जो नंबर है वो किसके लिए है, वो सियान कलर के, सी सियान कलर अपीयर ऑन माय ड्राइंग विंडो। सियान कलर कहाँ विजिबल हो गया, ड्राइंग विंडो पर हो गया। वंस अगेन आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ माई स्क्रीन, सेट स्क्रीन। सपोज दिस टाइम आई एम यूजिंग 9 दैट इज टैन कलर, द स्क्रीन इज लुक लाइक इन टैन कलर। द स्क्रीन जो है वो कैसे कलर में दिख रही है, टैन कलर में दिख रही है। बस जस्ट राइटिंग द नंबर गिवन इन माई कलर कोड, चूज फ्रॉम 0 to 9 विच कलर यू वॉन्ट, राइट दैट नंबर आफ्टर सेट स्क्रीन कमांड एज एन आर्ग्यूमेंट, द कलर ऑफ द स्क्रीन विल बी चेंज। जो कलर कोड में नंबर दे रखे हैं 0 to 9 तक के लिए, जो सा भी कलर आप चाहते हो, सेट स्क्रीन कमांड की आर्ग्यूमेंट में मेंशन करो, जस्ट प्रेस एन एंटर की, जैसे आप एंटर की प्रेस करोगे जो कलर है वो क्या हो जाएगा, माई स्क्रीन का चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ आई एम ड्रॉइंग अ स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर ड्रॉ करके दिखाती हूँ, सेट कमांड इज फॉर ड्रॉइंग इज रिपीट फॉर एफडी 50 आरटी 90। I forgot to change the color of my pen. मैं तो कलर का पेन का कलर ही चेंज करना भूल गई। Now, how I will do this? अब मुझे तो दोबारा ड्राइंग ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसके दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। बट वी कैन यूज सेट फ्लड कलर। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको इरेज करने की जरूरत नहीं है, क्लियर स्क्रीन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कलर ही तो भूले हो। हम उसके लिए सेकेंड ऑप्शन क्या यूज कर सकते हैं, सेट फ्लड कलर, SETFC। कमांड इज SETFC यूज कलर कलर विच यू वॉन्ट फ्रॉम द कलर कोड। जो भी आपको कलर कोड में से कलर चाहिए आप वो यूज कर सकते हैं। सपोज आई एम यूजिंग 3 दैट इज सियान कलर, आफ्टर दैट आई विल राइट फिल, द कलर विल बी चेंज। कैसे हुआ, जो कलर मुझे चाहिए था सेट एफसी आगे वो कलर कोड दिया, एंटर प्रेस किया, आफ्टर दैट राइट फिल, उसके बाद क्या लिखेंगे, फिल मींस जो हमने कलर दिया वो कलर यहाँ पर फिल हो जाए। जैसे ही वो फिल कर देगा उसके बाद जैसे आप एंटर प्रेस करोगे कलर विल बी चेंज। वंस अगेन आई एम चेंजिंग द कलर, सी सेट एफसी, नाउ आई एम यूजिंग नंबर 2, नाउ आई विल प्रेस एंटर फिल, सॉरी By mistake, I put the dot. That's why there is an error. Set FC 2. Press enter. Fill. Color will be changed. Color change of your color. This is how set flood color will be used. Set flood color is tarah use hota hai. अगर हम ड्राइंग करते वक्त अपना कलर चेंज करना, कलर पेन का कलर जो चाहिए हम वो यूज करना भूल गए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम इरेज करें, और नहीं तो सेकंड ऑप्शन क्या है, ताकि जो ज्यादा बेटर ऑप्शन है वो क्या है, सेट फ्लड कलर, फ्लड का कलर चेक करते हैं। नाउ आई एम क्लियरिंग माय स्क्रीन, सी एस।
नाउ आई विल यूज सेट पेन कलर. अगर हमें पहले से ही पेन का कलर को सेट करते हैं तो कैसे ड्राइंग होती है. सपोज आई एम यूजिंग सेट पेन कलर, दैट्स आई एम यूजिंग नाउ 7. नाउ आई विल ड्रॉ FD 50. सी 7 इज फॉर व्हाइट कलर, मैंने पहले ही सेट कर दिया. तो अब जब टर्टल ने ड्रॉ किया तो कौन से कलर में ड्रॉ किया, व्हाइट कलर. नाउ आई वांट अगेन वांट टू चेंज माय कलर. अब मैं दोबारा से मैं अपना कलर चेंज करना चाहती हूँ तो मैं कैसे करूंगी. अगेन आई एम राइट सेट PC. कलर चेंज करना है, कौन सा कलर लिया मैंने, सपोज को मैंने लिया 8. अब लाइन ड्रॉ करते हैं FD 50, कलर विल बी चेंज. पहले देखो व्हाइट था, अब ब्राउन आ गया. नेक्स्ट अगेन मैं कलर चेंज करती हूँ RT 90. अब मैंने क्या करा, अब मैं फिर से कलर को चेंज करती हूँ. नाउ आई एम यूजिंग 2 कलर को 2 FD 50, अगेन द कलर विल बी चेंज RT 90. अगेन आई वांट कलर टू बी चेंज. अब मैं दोबारा से कलर फिर चेंज करना चाहती हूँ. सपोज करो दिस टाइम आई एम यूजिंग 4 FD. दिस इज अ स्क्वेयर विच लुक्स वेरी कलरफुल. इसकी सारी साइड डिफरेंट डिफरेंट कलर की. आई होप यू गेट द पॉइंट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू. मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आएगा जो आपको मैं समझाना चाह रही हूँ. स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन मी इन माई कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू रिप्लाई देयर. थैंक यू. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल.